हेलो एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आरसीएम जॉब लेन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव क्या है? अगर किसी सेंटेंस में डूअर और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एक ही है तो वो सेंटेंस हुआ एक्टिव का। और पैसिव क्या है? अगर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और एक्चुअल डूअर दोनों अलग अलग हैं तो सेंटेंस होने वाला है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनते हैं कौन सी वर्ब से? ट्रांसिटिव वर्ब से। कौन सी वर्ब से? ट्रांसिटिव वर्ब से। तो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके कॉमन रूल्स जो थे अराउंड 6। उसके बाद हमने सीखे टेंस रिलेटेड चेंजेस किस तरीके से हो, और उसके बाद हमने बात की थी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की। आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की देखिए, जब बात इंटरोगेटिव सेंटेंस की आती है तो हमारे सामने आता है दो स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर जो क्लोज एंडेड होगा और एक होगा लॉन्ग एंडेड। ये क्लोज एंडेड और लॉन्ग एंडेड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दीज आर द आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन। अगर शॉर्ट आंसर है तो क्वेश्चन बना होगा हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, और अगर आंसर हमें एक्सटेंड लेवल पे देना पड़ता है, बना देना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बना है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से, उसे ही हम कहते हैं लॉन्ग एंडेड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग एंडेड क्वेश्चन। चलिए आज हम सीख रहे हैं एक्टिव टू पैसिव किस तरीके से चेंज करें जब बात हो इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखते हैं एक्टिव टू पैसिव इसी की बात करने हम जा रहे हैं आज, एक्टिव टू पैसिव। और हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस आज मैं दोबारा से एक बार उन्हीं सभी रूल्स को रिवाइज करूंगा जो हमने पहले पढ़े थे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव में सब्जेक्ट। जो सेकंड चेंज होने वाला है वो होगा टेंस रिलेटेड। टेंस रिलेटेड चेंज नंबर थर्ड हो रहा है कि आपकी थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। और नंबर 4 है कि अगर हमें सब्जेक्ट को क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई का 99% एक्सप्लेन। इसके अलावा भी हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और नंबर 5 है कि जो सब्जेक्ट था, इसका जो सब्जेक्ट था एक्टिव का, इसे क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल डूअर को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। नंबर 6 है कि कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? सेम होगा हर सेंटेंस। ये कहानी थी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की, लेकिन आज कहानी अलग है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ये सारे रूल्स इसी सीक्वेंस में फॉलो होंगे जब बात हो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज सेंटेंस बदल चुका है तो सीक्वेंस भी बदलेगा। सेंटेंस ही बदल गया तो सीक्वेंस भी ऑब्वियसली बदलेगा। और बदलाव किस तरीके से होंगे पहले हम जान लेते हैं उन स्ट्रक्चर्स को जो हमें आज फॉलो करने हैं। देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर हमें सॉल्व करना है वो है, अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे हो, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट हो, एंड क्वेश्चन मार्क हो, और ये स्ट्रक्चर अगर एक्टिव का है तो हमें पैसिव में सॉल्व करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को यही बदलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें सब्जेक्ट को याद आना है तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन हमें यूज करना है, और जब बात प्रीपोजिशन की हो तो प्रीपोजिशन के बाद अगर एक्शन आता है तो उसके आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं। अगर एक्शन नहीं है और कोई भी प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ यूज करते हैं, जो एक्चुअल में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने कहा डज ही प्ले क्रिकेट। देखिए, आइडेंटिफाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है
और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन से हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली चेंज कर सकते हो। जहां तक की बात है ऐसे क्वेश्चन की जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। मैं क्रिकेट को इधर लाऊंगा यानी सब्जेक्ट बनाऊंगा ऑब्जेक्ट को, उससे पहले मैं डूडल्स को डाल देता हूँ। डूडल्स इंडेफिनेट का पार्ट और इंडेफिनेट बदलता है कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में अगर आपका कंफ्यूज है तो पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और सब्जेक्ट अकेला है, डूडल्स बदलेगा इज आर, इसमें मिलेगा इज आर। स्टूडेंट्स जब बात हेल्पिंग वर्ब की है, हेल्पिंग वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी। देखिए मैंने लिखा इज क्रिकेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए प्लेड बाय हिम। देखिए ये कब बन गया हिम, और क्वेश्चन रहा है इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव में ही, इट्स मीन सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिंपल है वो इंटरोगेटिव बन गया और इंटरोगेटिव है वो सिंपल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेसेज में क्या कर देंगे, कुछ चेंजेज हम करने वाले हैं जब हम बात करते हैं वैसे भी। एक और एग्जाम्पल देते हैं, वॉज ही कटिंग ट्रीज। देखिए ट्रीज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ट्रीज, तो ट्रीज के लिए आएगा वर्ब, वर्ड ट्रीज बीइंग कट बाय हिम। देखिए जब हमने बात की थी टेंस रिलेटेड चेंजेस की, वहां हमने सीखा था अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, चेंज होता है, मेजर चेंज होता है कि बीइंग का हम यूज करते हैं बीइंग, और इट्स मीन हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। अगर इज आर एम है तो इज आर एम रहेगी, वॉज वर है तो वॉज वर ही रहने वाली है। बस हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो है बीइंग की, और कट की थर्ड फॉर्म होती है कट ही। तो देखिए आगे हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, ये जो एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं वो सभी स्टार्ट हुए हैं हेल्पिंग वर्ड्स, इट्स मीन ये इजी था इन द कंपैरिजन ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बदल जाए। पहले मैं आपको दो चीजें रिवाइज करवाना चाहूंगा, जब बात आती है वॉट और होम। देखिए एक चीज मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट्स पाए जा सकते हैं, इट्स मीन एक सेंटेंस है उसमें दो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अगर तीसरा होगा तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब। समझ पाया मेरी बात को, अगर बात हो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं दो, और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, या तो होगा नाउन या प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट दो है, हमें आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से है। अगर वोट का आंसर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का आंसर है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनिएगा कि जब आंसर इनका बन रहा है ऑब्जेक्ट, इट्स मीन जब इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है जब वॉट और होम से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। इट्स मीन अगर आपको कहा जाता है कि वॉट और होम के क्वेश्चन को किसमें चेंज करें, पैसिव में चेंज करें, और अगर आप किसकी खोज में निकले हैं ऑब्जेक्ट की खोज में, तो डियर स्टूडेंट्स वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा, जब इनका आंसर आप देने वाले हो तब आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। इट्स मीन ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो बड़ी समस्या हमारे सामने है कि ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और मैंने कहा था कि विदाउट ऑब्जेक्ट आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते,
वो बात थी सिंपल नेगेटिव की। किसकी बात थी? सिंपल और नेगेटिव की। तो देखते हैं ये दोनों एक्सेप्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शन हो सकते हैं इन कॉमन वर्ड्स, इन कॉमन वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑब्जेक्ट होगा भी और नहीं भी होगा। कहाँ नहीं होगा? व्हाट और हुम में, व्हाट और हुम में। हम हुम और हुम को अलग से डिस्कस करने वाले हैं। अभी जब हम बात करेंगे हम ओनली बात करेंगे व्हाट और जो रिमेनिंग क्वेश्चन वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट हु और हुम, एक्सेप्ट हु और हुम, उनके लिए अलग से रूल है। तो देखते हैं क्या चेंज होगा। क्वेश्चन वर्ड वैसा का वैसा, हेल्पिंग वर्ड जिस तरीके से हम पहले चेंज करते आ रहे थे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, इट्स मीन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम भूल सकते हैं, इस जगह को छोड़ सकते हैं। क्या किया जा सकता है? जब वोट और होम की बात हो तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उस जगह को छोड़ सकते हैं। सीधी क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हिच फॉर्म? थर्ड फॉर्म, जिसे हम कह सकते हैं टेंस रिलेटेड चेंजेस, बाई और प्लस सब्जेक्ट। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बाई कोई फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है कि सभी के साथ क्या हो, बाई का ही यूज हो। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रूप से यूज किए जाते हैं और इनके बारे में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वर्ड्स। देखिए इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं, मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, हाउ डज शी कुक फूड डेली। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वह रोजाना खाना कैसे पकाती है, कैसे पकाती है। देखिए हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा जब तक बात हुम और हु की ना हो, हुम और हु की ना हो तब तक कोई भी मेजर चेंज हम नहीं देखेंगे। हाउ, देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेड वर्ब, हमारा निशाना है या हमारा टारगेट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ यूज होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए डू डज, डेफिनेट का इंडेफिनेट से रिलेट करके इंडेफिनेट चेंज होगा कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए कितना इजी है, अगर टेंस है इंडेफिनेट बदल जाएगा कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस रहने वाला है, और परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फूड के लिए मैंने यूज किया इज, हाउ इज फूड, देखिए थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाय यूज करूंगा और सी का यहाँ मैंने हर किया और डेली का डेली, जो बचा है रिमेनिंग पार्ट है वो एज इज यूज होता है। बस समझने वाली बातें ये है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज में लेते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, वेयर डिड ही, वेयर डिड ही, वेयर डिड ही प्ले मैच, उसने मैच कहाँ खेला था। आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेयर मैच इधर आएगा, उससे पहले देख लीजिए डिड, अभी हमने बात की थी इंडेफिनेट है कॉन्टिन्यूस की तरफ चले गए। देखिए मैच के लिए हमने यूज किया वाज, वेयर वाज मैच, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक स्ट्रक्चर की प्लस टेंस रिलेटेड चेंजेस की, और एक चीज जो कॉमन है वो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम यूज में लेने वाले हैं जब बात हो पैसिव की। तो देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ वोट की, किसकी बात करने वाला हूँ मैं, वोट की, और जो हुम और हु है उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। देखिए वॉट, हाउ, वेयर, वाई, वेन, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सभी का यूज इसी तरीके से होगा। किस तरीके से होगा?
इसी तरीके से होगा, बस वोट का सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं अगर नहीं मिलता है तो किस तरीके से हम उसे चेंज करने वाले हैं पैसिव में। देखिए, व्हाट डू यू ईट, देखिए सेंटेंस कितना इजी है। वो कह रहा है कि आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, ऑब्वियसली खाना खाते हो, लेकिन खाना यहां नहीं लिखा हुआ है। जब मैं इसका आंसर दूंगा तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में सामने आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट एव यू डिड, करता है वर्सेस व्हाट का, व्हाट डू डस। देखिए डू डस हेल्पिंग वर्ब है, और जब बात हेल्पिंग वर्ब की हो बदलती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। व्हाट इज, व्हाट इज, क्योंकि डूडल्स है डेफिनेट कंटिन्यूएशन बदलेगा। व्हाट इज ईट की थर्ड फॉर्म, इटन बाइक के साथ यू को हम इधर लेके जाएंगे और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। देखिए ऑब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट था ही नहीं। तो व्हाट इज इटन बाय यू, व्हाट इज इटन बाय यू, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है, यू। क्या आ रहा है? यू। अगर हम वापस से पैसिव में बनाते हैं तो व्हाट का व्हाट इज आ रहा है डू डज में, किसके हिसाब से? यू के हिसाब से। और ईट बन गया, इटन बन गया ईट। एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, व्हाट डज सी कुक। देखिए व्हाट का व्हाट, टू डेज बदल रहा है, जा रहा है। व्हाट इज कुक की थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाय सी का बन गया है। देखिए इजी है अगर हमारे फैक्ट्स क्लियर हो, अगर हमें जो नॉलेज है अगर वो सही तरीके से दी गई है, प्लस रूल्स अगर हमें याद है, तो मिस्टेक होने के चांसेस रेयर है, नए के बराबर है। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी है वो आप समझ चुके हैं। व्हाट को हमने डिस्कस किया है उसमें के एक्सेप्शन था कि ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, प्लस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं होम और हु को अपने अगले वीडियो में। यहां तक की नॉलेज सभी के पास हो, आई होप सो।